हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल पैंथर 11। और आज इस वीडियो में बात करेंगे युवा कबड्डी मानसून एडिशन का जो चैलेंजिंग राउंड है, मैच नंबर 94 जो खेला जाएगा 2 बजे। ये मैच खेला जाएगा काजीरंगा हिनोस वर्सेस मुथल मैग्नेट्स के साथ। ये मैच खेला जाएगा 6 अक्टूबर को 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। गाइस वहीं बात करते हैं इस चैलेंजिंग राउंड के सीरीज़ में जो पॉइंट टेबल है, बॉक्स स्कोर उसकी बात करते हैं। तो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर हैम्पी हीरोज़ की टीम है, दूसरी मुथल मैग्नेट्स की टीम और काजीरंगा हिनोस और वर्सेस आपका मैच जो खेला जाएगा वो मुथल मैग्नेट्स के साथ ये मैच खेला जाएगा। तो दो नंबर और तीन नंबर जो पॉइंट टेबल पे है उसके साथ कल के 2 बजे ये मैच खेला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। गाइज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और गाइज आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और क्योंकि फाइनल टीम जो आने वाली है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगी। एसएल टीम, जीएल टीम, जो भी मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा वो सारी टीम सारी जो होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। और गाइस अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस का सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि अपकमिंग बहुत सारे मैचेज आने वाले हैं, ICC वर्ल्ड कप का सारे वीडियोस आने वाले हैं, सारे टीम्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आने वाले हैं, NBA बास्केटबॉल के सारे वीडियोस आने वाले हैं, सारे टीम्स आने वाले हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और गाइस अब जो भी करेंट सीजन चल रहे हैं, करेंट मैच चल रहे हैं, सभी के टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी है, या तो आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना @Panther11ABC ज्वाइन कर लेना, या कमेंट सेक्शन में आपको यह लिंक दिखेगा वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस आपके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन लेके आया हूँ, विजर 11, जहाँ पे आपको लेस कंपटीशन और यहाँ पे लेस इंट्री फी मिलेगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम कबड्डी में मिलेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बास्केटबॉल में मिलेगा, 2 मिनट फुटबॉल में मिलेगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, आप डाउनलोड कर लेना विजर 11, क्योंकि यहाँ पे होने वाली है आपकी अच्छी विनिंग्स। और इसका जो विजर 11 पे विनिंग की रेशियो है वो 80-90% हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, आप चेक कर लेना रिजल्ट्स, फिर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए आपके पास में ऑप्शंस है ऑलरेडी, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ये विजन 11 का आपको लिंक मिलेगा, आप डाउनलोड कर लेना, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको विजन 11 का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे विजन 11 पे काफ़ी अच्छा विनिंग्स होने वाली है, आपकी सारी लॉस रिकवर होने वाली है, इसलिए मिस मत करना, डाउनलोड कर लेना। गाइज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीम प्रीव्यू की। तो टीम प्रीव्यू में सबसे पहले हम बात करते हैं काजीरंगा हिनोस की टीम की, जिस इनके तरफ से अंकित राणा, जो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस सीज़न में, 21 मैचेस प्ले किया, सभी मैच इन्होंने प्ले किया हुआ है। रेड पॉइंट इनके 211 है, रेड्स इन्होंने 308 किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है इनका, और रेड टैकल इनके 13 है, बहुत अच्छे ये लेफ्ट रेडर हैं। तो गाइस अपने टीम में जरूर इनको ट्राई कर लेना। रेड स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा 68.5 का है, तो अपने टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी विशाल अंकित राणा को आप ट्राई कर सकते हो। गाइस बात करते हैं सागर मलिक की, तो सागर मलिक भी अच्छे प्लेयर हैं, 19 मैचेस प्ले किए हुए हैं, रेड पॉइंट इनके 110 रहे, रेड्स इन्होंने 210 किया हुआ है, 52 का इनका रेड स्ट्राइक रेट रहा और सक्सेसफुल टैकल का रेड रेशियो इनका 24 का रहा। तो सागर मलिक को भी अपने GL टीम में किसी में ट्राई कर लेना। प्रवीण धनकर की बात करूँ तो 18 मैचेस प्ले किया हुआ है और 99 इनके रेड पॉइंट है, और रेड्स इन्होंने 194 किया हुआ, टैकल इनके 16 रहा है, और गाइस इनका रेड स्ट्राइक रेट 51 का रहा। तो आप प्रवीण धनकर को आप चाहो तो अपने GL टीम SL टीम में भी ट्राई कर सकते हो, एज ए क्रेडिट मैनेज के तौर पे ट्राई कर सकते हो, और प्लेयर्स भी ठीक हैं तो आप अपने टीम में ट्राई कर लेना। गाइस वही बात करता हूँ राहुल कली रवाना की, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ इस सीज़न में, 21 मैचेस प्ले किया हुआ है, 149 इनका टैकल पड़ा, बहुत अच्छे डिफेंडर है, लेफ्ट कॉर्नर को कवर करते हैं, और टैकल पॉइंट्स इनके 93 रहा, और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो इनका 59.73 का रहा। तो गाइस अपने टीम में जरूर इनको ट्राई करना, SL प्लस GL दोनों में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी इनके साथ जा सकते हो। गाइस योगेश दहिया की बात करूँ, ये डिफेंडर है, राइट कॉर्नर को कवर करते हैं, 21 मैचेस प्ले किया हुआ है, 6 इनका रेड पॉइंट्स रहा, रेड्स इन्होंने 14 किया हुआ है, टैकल पॉइंट 131 रहा, और गाइस वहीं बात करते हैं रेड स्ट्राइक रेट की, तो 42.85 का रहा, और टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो 49.62 का है। तो इनका भी, योगेश दहिया का भी बहुत अच्छा परफॉर्म रहा इस सीज़न में, तो आप योगेश दहिया को भी अपने GL प्लस SL टीम में ट्राई कर सकते हो।
गाइस गौरव दहिया की बात करूँ तो ऑलराउंडर में सेक्शन में आपको मिल जाएगा 11 मैचेज इन्होंने प्ले किया हुआ है, 23 इनका रेड्स पॉइंट है, रेड्स इन्होंने 46 किया हुआ है, कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, कम चांस इनको मिला है, बट ठीक ठाक प्लेयर है। आप इनको चाहो तो जीएल में किसी एक टीम में ट्राई कर लेना। और वहीं अमित देसवाल की बात करूँ तो 11 मैचेज प्ले किया हुआ है, इनका कोई रिकॉर्ड्स कोई खास नहीं रहा, बट ये इनका जो रेड स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी अच्छा है, 67.64 का है। वही बात करते हैं अंकुश धुन की, तो अंकुश धुन का भी परफॉर्म काफ़ी अच्छा रहा, ये डिफेंडर सेक्शन में आपको मिल जाएगा, 15 मैचेज प्ले किए हुए, टैकल इनका 74 रहा और इनका टैकल सेक्शन पर रेट 24.32 का रहा और रेड 36.36 का है। वही बात करते हैं दीपक राहू रेडू की, तो इन्होंने 9 मैचेज प्ले किया और 58 इनका टैकल पॉइंट है और गाइस इनका टैकल सक्सेसफुल रेट 37.93 का है। तो रेडी को आप किसी जीएल टीम या एसएल टीम में भी आप ट्राई कर सकते हो। गाइस दिलेर सिंह की बात करो, 9 मैच प्ले किया हुआ है, रेड स्ट्राइक रेट 15 का है, रेड्स इन्होंने 31 किया हुआ है और रेड स्ट्राइक रेट 48 का है। तो दिलेर सिंह को चाहो तो जील में ट्राई करना, बाकी आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। मोहित पंगल की बात करो, 13 मैच प्ले किया, टैकल पॉइंट 31 है, कोई खास परफॉर्म नहीं है, तो इनको चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो। गाइज दीप शर्मा की बात करो तो दीप शर्मा भी 16 मैचेज प्ले किया, कोई खास परफॉर्म नहीं रहा, इनका टैकल पॉइंट 14 है और रेड्स इन्होंने 12 किया हुआ है। तो दीप शर्मा को भी चाहो तो जीएल में ट्राई कर लेना, बट ऐसे एसएल टीम में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। टीम प्रीव्यू की बात करते हैं, जो हमारे कल के मैच की ये टीम प्रीव्यू जो रहने वाली है उसकी बात करूँ तो मैंने अपने टीम में जो रखा हुआ है, सॉरी मुथल मैग्नेट्स की टीम की प्रीव्यू की बात करूँ तो इधर से आपको लेफ्ट रेडर्स की तरफ से दिख जाएंगे आकाश देसवाल दिख जाएंगे, जिन्होंने 16 मैचेज प्ले किया हुआ और इनका रेड पॉइंट्स 149 रहा और रेड्स जो इनका रहा 221 रहा, बहुत अच्छा इनका भी परफॉर्म रहा। तो आकाश देसवाल को भी अब चाहो तो अपने जीएल प्लस एसएल टीम में ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर ये भी है। और गाइस आपको एक मनदीप कुमार बहुत अच्छे प्लेयर राइट रेडर है, बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनको भी चाहो तो अपने जीएल प्लस एसएल टीम में ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा इनका रेड स्ट्राइक रेट है। तो मनदीप कुमार को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। गाइस उमेश पनवाड़ की बात करो तो ये राइट रेडर है, 13 मैचेज प्ले किया हुआ है, रेड पॉइंट्स इनका 126 है, 191 इन्होंने रेड किया हुआ है और इनका टैकल पॉइंट 25 है। तो उमेश पनवाड़ को भी आप अपने टीम में, अगर क्रेडिट मैनेज होती है तो अपने टीम में उमेश पनवाड़ को भी ट्राई कर सकते हो। गाइस अजय कुमार की बात करूँ तो 15 मैचेज इन्होंने प्ले किया हुआ है, रेड पॉइंट्स इनके जो रहे हैं वो 62 रहा है और रेड्स इन्होंने 122 किया हुआ है, टैकल पॉइंट 19 रहा है और टैकल सक्सेसफुल रेट 36.84 का रहा और रेड स्ट्राइक रेट इनका 50.81 का रहा। तो आप अजय कुमार को भी चाहो तो अपने जीएल टीम या एसएल टीम में ट्राई कर सकते हो। संजय इनेमिया की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, 19 मैचेज प्ले किया हुआ है, 119 इनका टैकल पॉइंट रहा, बहुत अच्छा परफॉर्म किया टैकल, और गाइस इनका रेड स्ट्राइक 33 का है बट टैकल सक्सेसफुल रेट रेशियो इनका 44 का है। तो आप इनको भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, डिफेंडर सेक्शन में मिल जाएंगे। और गाइस ये डिफेंडर है जाहिद धुल, जिन्होंने 20 मैचेज प्ले किया हुआ है, 98 इनका टैकल पॉइंट रहा। तो गाइस ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, जीएल टीम में अपने ट्राई कर लेना, इनको कम चांस मिलता है कोर्ट पे। वही राहुल कत्तर की बात करूँ तो ये डिफेंडर है, राइट कॉर्नर को कवर करते हैं, 17 मैचेज प्ले किया हुआ है, 112 टैकल पॉइंट है। और गाइस संदीप कुमार की बात करो, 10 मैचेज प्ले किया है, रेड पॉइंट 21 है, रेड्स इन्होंने 47 किया हुआ है, तो इनका भी ठीक ठाक परफॉर्म है, बट अब चाहो तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। संजय धुल की बात करो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 18 मैचेज में 11 इनका रेड्स है, टैकल इनका 104 है। तो संजय धुल अगर आपका क्रेडिट मैनेज होता है तो इनको ट्राई कर लेना, बाकी आप चाहो तो इनके रिप्लेस में किसी और को ट्राई कर लेना। वहीं सचिन मणिपाल की बात करो तो 11 मैचेज प्ले किया, 71 इनका टैकल पॉइंट रहा, तो मणिपाल जी को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। और वहीं मैं सेट टीम के प्रीव्यू की बात करता हूं तो हमारी कल के मैच में जो सेट टीम प्रीव्यू रहने वाली डिफेंडर सेक्शन से वाई दहिया और के कजरी कली रवाना और उसके बाद विजय वीरेंद्र नज़र आएंगे हमारे एसएल टीम में। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन में आपको जे जाबिर नज़र आएंगे, जे एनेमिया नज़र आएंगे। वहीं रेडर की बात करो तो ए राणा और पी धनखड़ और मनदीप कुमार ये हमारे सेट टीम में है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, आप ए राणा के साथ जा सकते हो, कली रवाना के साथ जा सकते हो और गाइस मनदीप कुमार आपके पास ऑप्शन है, तीन आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है। और बाकी ऑप्शंस की बात करूँ तो आपके पास ऑप्शंस है, इनामिया भी आपके पास ऑप्शंस है। और गाइस फाइनल ये हमारी सेट टीम है, ओनली फाइनल टीम जो आने वाली है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना, ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को। ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, या तो सर्च करके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में सर्च कर लेना, या तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या गाइस
आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा अभी लेके आने वाला है। ICC वर्ल्ड कप और NBA बास्केटबॉल का सभी आने वाला है। और बेल आइकन को ऑन करना क्योंकि सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर।